हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुमेरपुर में छात्र संघ चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में सोमवार सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया। इस अवसर पर राजकीय महाविद्यालय परिसर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। कई संकाय में मतदाताओं की लंबी कतारें लगी रही। कुछ मतदान केंद्रों पर बहुत कम छात्र मतदान करने पहुंचे। सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों को मतदान केंद्र तक लाने को जन्नोजहद में जुटे रहे। छात्र आज मतदान के जरिए अपना छात्र संघ अध्यक्ष और अन्य छात्र प्रतिनिधि चुनेंगे। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान दोपहर 1 बजे तक चला। मुख्य चुनाव अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि इस बार 840 वोटर हैं। मतदान के लिए कुल 3 बूथ बनाए गए थे। छात्र संघ चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। प्रवेश पत्र की जांच करने के बाद ही मतदाताओं को परिसर में प्रवेश दिया गया। आज छात्र संघ चुनाव सुमेरपुर में हुए हैं, जिसमें सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू की गई है। 8 से 9 के बीच में 240 वोट पड़े थे, बाकी की रिपोर्टिंग अभी अंदर से आनी है। यहाँ पर माहौल वर्तमान में एबीवी का बन रहा है। विद्यार्थी परिषद की कम से कम 8 टुकड़ियां पूरे टर्मिनल समेत आगे तक खड़ी है, और आगे के जो भी विभिन्न संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, बीजेपी है, युवा मोर्चा है, सारे के सारे संगठन यहाँ समर्थन में आ गए हैं। और ज्यादा से ज्यादा जो रेगुलर स्टूडेंट है वो विद्यार्थी परिषद के साथ खड़ा है। यहाँ पर एक तरफा एबीवीपी का पूरा पैनल निकलने का चांस है। एबीवीपी से मोंटू रावल है, उपाध्यक्ष पर नीतू कंवर है, महासचिव पर मनोज कुमार दिनेश कुमार है, और सही सचिव मनोज कुमार है। इनका पैनल बनने का पूरा यहाँ चांस बन रहा है। सुमेरपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।